लोकसभा चुनाव के तीसरे और सबसे बड़े चरण का मतदान मंगलवार को पूरा हो गया। तीसरे चरण में 13 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 117 सीटों पर 66% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण भारत में हुई। 7 चरणों में से सबसे बड़े इस तीसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मुलायम सिंह, वरुण गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जहां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार दक्षिण की किसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में भी ईवीएम में गड़बड़ी की काफी शिकायतें सामने आईं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा लगातार तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई और मुर्शिदाबाद और मालदा में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में जहां टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए, वहीं एक वोटर की भी मौत हो गई। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पीटा। केरल में भी 11 वोटर्स की मौत हुई है। तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद अब लोकसभा की 543 सीटों में से 302 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।